Hello friends, welcome to my channel Science Tutorial. So in this video, today's video, I'm going to begin the new topic, which is the geological time scale. And this topic is one of the most important topics from evolution. Alright, so what is geological time scale? Let's talk about this. See, when we talk about the span of Earth's history, then the events that had taken place once comes under the geological time scale. यानी कि वो इवेंट्स जो कलेक्टिवली इवेंट्स हुए हैं अर्थ की हिस्ट्री में, जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो वो सारे इवेंट्स आते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंडर में. ठीक है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, रेडियो एक्टिव डेटिंग के बारे में हम लोग ने पढ़ा था ना. उसके थ्रू पता चला था कि अर्थ जो है 350 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग इस छोटे से चार्ट की बात कर लेते हैं, जो दिख रहा है छोटा सा, लेकिन इसके अंदर भी हम लोग को काफ़ी कुछ पढ़ना है. थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, बहुत डिटेल नहीं पूछा जाता. इफ़ यू आर गोइंग फॉर नीट, देन आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बट अदरवाइज इन ट्वेल्थ इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है. बस ये थोड़ा सा हमें नॉलेज होनी चाहिए. दो चार्ट्स हैं नूतन में, मैं दोनों आपको बताऊँगी, देन आपको किसके थ्रू जाना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन बहुत डिटेल उनमें से नहीं पढ़नी. जो चीज़ें हम लोग को याद होनी चाहिए, बस बेसिक चीज़ें हम बताएंगे आपको. ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. जो अर्थ हिस्ट्री है, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, वो 5 एराज में डिवाइडेड है. देन एराज आर डिवाइडेड इंटू सेवरल पीरियड्स, एंड पीरियड्स आर डिवाइडेड इंटू एपोक. गॉट इट? देन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 5 एराज है, एंड हेयर आई हैड मैंशन ओनली 4. फिफ्थ वन आर्कियोजोइक आई हैड नॉट मैंशन, बिकॉज उसके बारे में कुछ था नहीं, तो मैंने इसलिए मैंशन नहीं किया. तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि ये इस सीक्वेंस में है, ये सबसे ओल्डेस्ट है. ओल्डेस्ट अर्थ है, यानी कि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई है, एंड यहाँ पे ही अर्ली बैक्टीरियाज बने हैं. देन उसके बाद जब हम लोग पैलियोजोइक के बारे में बात करते हैं, तो दिस इज डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑल टोटल 6 पीरियड्स. पीरियड्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू एपोक फर्दर. एंड इसमें क्या आते हैं, इसमें हमें पता है ना, हम लोग ने एक ओशियनिक सूप पढ़ा था बहुत पुरानी वीडियो में, अप्रॉक्स इवोल्यूशन की एक दो वीडियो पहले ही हम लोग ने पढ़ा था. इसके बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इवोल्यूशन के, हम लोग ने ओशियनिक सूप के बारे में. तो उसके में हम लोग को पता चला था कि जो लाइफ थी वो वाटर से ही स्टार्ट हुई थी. तो यहाँ पे आया था ये वाटर वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें वाटर के अंदर हैं. ठीक है, एंड दिस वन इज द एज ऑफ फिशेज, यानी कि यहाँ पे फिशेज, मार्कर इज नॉट वर्किंग, डेवोनियन इज द एज ऑफ फिशेज, वेट, एज ऑफ फिशेज. ठीक है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि अर्ली बैक्टीरियाज यहाँ पर स्टार्ट हुए थे. देन मीजोजोइक मीन्स जुरैसिक, हमेशा याद रखना. क्रिटेशियस याद होना चाहिए, क्रिटेशियस, जुरैसिक एंड ट्रायसिक, तीन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, तीन पीरियड है, जिनमें से जुरैसिक तो हमें हमेशा याद रहेगा ही, क्योंकि जुरैसिक पार्क से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये डायनासोरस का एरा था, पीरियड था, सॉरी. यहाँ पे डायनासोरस, तो ये एज ऑफ डायनासोरस था. ठीक, देन सीनोजोइक इज डिवाइडेड इंटू टू पीरियड्स, इट्स डिवाइडेड इंटू टू पीरियड्स, एंड टू पीरियड्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री ईच, थ्री एपोक्स. प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, मायोसीन. देन टर्शियरी इज डिवाइडेड इंटू ओलिगोसीन, ईओसीन इज द एज ऑफ हॉर्सेस. देन पैलियोसीन, गॉट इट? देन जब हम लोग क्रिटेशियस की बात करते हैं, क्रिटेशियस के अंदर हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से जो एकदम अपर मोस्ट, अपर मिडिल एंड लास्ट वन जो था, उसमें से जो अपर वाला था, अपर क्रिटेशियस, उसमें हिमालयास का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था, हिमालयास बनना स्टार्ट हुआ था, हिमालयन रेंजेस.
रिकॉर्डेड, यहाँ तक हम लोग को अब समझ में आ गया। आप इसके थ्रू जा सकते हैं अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, अदरवाइज दिस चार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी टू लर्न फॉर बोर्ड्स। इफ यू आर वर्किंग फॉर नीट देन यू कैन गो थ्रू इट, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस चार्ट। जस्ट व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज द एज ऑफ डायनासोर्स, एज ऑफ हॉर्स, एज ऑफ फिशेस, दैट्स ऑल। Got it. And early bacteria, हमें ये पता होना चाहिए कि pre-cambium is the early bacteria. In pre-cambium, there was the growth of that of early bacteria. All right. So that's all for this video. If the video helped you out, then hit like button to this video, and also share my videos to your friends and to your dear ones. Thanks for watching. Bye bye, guys.